बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफी। आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सेल पे फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेल। एक्सेल पे जो हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में, फाइनेंशियल फार्मूले, PMT, IPMT और PPMT। PMT फार्मूला क्या काम करेगा यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक टेबल बनाया हुआ है, लोन अमाउंट 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 10%, लोन पीरियड इन ईयर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर अगर आपने अपने पर्सनली लोन आपने यहाँ पर लिया हुआ है 2 लाख रुपए का और उसको आप वो आपको दिया जा रहा है 10% इंटरेस्ट के ऊपर 5 साल के लिए, तो इससे हम ये मालूम हम करेंगे पीएमटी में कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनती है। आपको तो 2 लाख रुपए आपने इंस्टॉलमेंट आपने लोन ले लिए यहाँ पर और 10% इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि आपको 5 साल के लिए 10% इंटरेस्ट के ऊपर 2 लाख रुपए लोन दिया गया है। अब मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बनती है तो वो हम कैलकुलेट करते हैं पीएमटी के अंदर। इक्वल टू लगा लें आप और पीएमटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास सारा रेट में आप सिलेक्ट करेंगे अपना इंटरेस्ट और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है 10% वो आपको ईयरली के हिसाब से दिया जा रहा है। तो हम यहाँ मंथली अगर हम निकालेंगे इंस्टॉलमेंट तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब आपसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने साल के लिए आपको इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है, तो आपने ईयर वाला सेल आपने सेलेक्ट करना है और इसके लिए भी हम ये काम करेंगे कि आपने मंथली निकालना है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो ईयरली आपके पास दिया जा रहा है इंटरेस्ट तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपके पास कितना होना चाहिए, तो इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमा लगा देंगे और इसके बाद आपके पास बोल रहे हैं प्रेजेंट पीवी, यानी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो आपका अमाउंट है लोन 2 लाख रुपीज। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखें आपके पास जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 4249। अभी डॉलर का अगर साइन यहाँ पर आ रहा है तो आप यहाँ डॉलर का साइन खत्म कर लें, यहाँ पर सिंपल आप कॉमा वाले नंबर्स को कॉमा स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये कॉमा स्टाइल के अंदर मेंशन हो जाएगा, यानी कि जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो कितनी जाएगी 4249, ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है। अब आईपीएमटी के अंदर हम क्या मालूम करेंगे, अब आईपीएमटी के अंदर हम ये मालूम करेंगे इस 4249 में से आपकी इंटरेस्ट कितनी जा रही है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम आईपीएमटी फॉर्मूले को यूज करेंगे, इक्वल टू आईपीएमटी फॉर्मूले को यूज करना है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे रेट आपने अपना इंटरेस्ट वाला रेट सेल को सिलेक्ट करना है, इसे भी आप डिवाइड कर देंगे 12 से क्योंकि आप मंथली मालूम करना चाह रहे हैं अपना इंटरेस्ट। कॉमा लगाएंगे, इसके बाद आपसे बोल रहे हैं पीरियड, आप कितने मंथ का आएगा, आप कितने मंथ का पीरियड देखना चाहते हैं। मैं फर्स्ट मंथ का पीरियड देखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर नंबर 1 प्रेस कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद बोल रहा है आपसे नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कितने साल के लिए आपने ईयर वाले सेल को सेलेक्ट करना है और मंथली आपको चेक करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जितना आपने लोन यहाँ पर आपने लिया हुआ है, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एंटर करूंगा तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, इसके भी हम कॉमा के अंदर चेंज कर देते हैं। अब देखिए 4249 में से आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो जा रहा है 1666, यानी कि ये आपका मंथली इंटरेस्ट जा रहा है। अब पीपीएमटी में हम क्या मालूम करेंगे, पीपीएमटी के अंदर हम मालूम करेंगे कि आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपको कितना पेड कर रहे हैं और आप में उसमें से आप उसमें से आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है और कितना आपके पास अमाउंट आपका जमा हो रहा है, तो वो हम पीपीएमटी में मालूम करेंगे। तो आपने क्या करना है, इक्वल टू पीपीएमटी रेट आपने सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट वाले को, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर हम देखेंगे पीरियड्स, यानी कि आप कितने
मंथ का आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर नंबर वन प्रेस कर दूंगा, मुझे नंबर वन एक ही मंथ का मुझे अगर मुझे मंथली देखना है, और कॉमा लगाऊंगा, नंबर ऑफ पीरियड आपने ईयर के सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, क्योंकि आपको मंथली आपको आपने नंबर ऑफ पीरियड यानी पीपीएमटी चेक करना है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, लोन अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम कर देंगे यहाँ एंटर, इसे भी हम कॉमा वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे ताकि डॉलर साइन रिमूव हो जाए। तो देखिए पीपीएमटी के अंदर आपका जो इन्वेस्ट यानी कि जो आपकी अमाउंट है 2582 ये आपका जमा हो रहा है, यानी कि 4000 आपका मंथली इंस्टॉलमेंट जा रहा है, आपको 4000 में से 1666 आपका इंटरेस्ट जा रहा है और 2582 ये आपका अमाउंट सेव हो रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप पीपीएमटी वाले सेल को और आईपीएमटी वाले सेल को जब आप दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है तो वो आपके पास सेम आंसर आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, पीपीएमटी वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ प्लस और आईपीएमटी वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर, तो देखें यहाँ पर हमारे पास सेम अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल फंक्शन। अगर इसमें वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिए हमारे और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।